अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद तायरा में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है आलू वाला नान, वो भी बग़ैर ओवन के, तंदूर के बग़ैर तवे पे बनाएंगे, बिल्कुल बाज़ार जैसा और बहुत ही ज़बरदस्त। तो आइए बनाते हैं आलू वाला नान। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। नान बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो रेडी करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके लिए हम 2 कप मैदा लेंगे। बॉल के अंदर इसको हम पहले डाल लेंगे। उसके बाद हम 1 टीस्पून यीस्ट लेंगे, इंस्टेंट यीस्ट चाहिए। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लेंगे, आइसिंग शुगर 1 टीस्पून लेंगे और नमक 1/2 टीस्पून लेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल के डालेंगे और 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर दही जाएगा, लेकिन रूम टेम्परेचर में मीठा दही, खट्टा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया इसके अंदर। अब हम इस डो को गूंदने के लिए नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे। याद रहे कि हम ठंडा पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे ताकि डो हमारी अच्छे से राइज हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इस डो को हम गूंद लेंगे। पानी एकदम से ज़्यादा नहीं डालेंगे कि डो हमारी बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम डो को रेडी कर लेंगे। अच्छा, गर्मियों के मौसम में डो तकरीबन 30 से 40 मिनट में राइज हो जाती है, और अगर सर्दियां हों तो फिर आपको 2-2.5 घंटे और बाज़ का 3 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन गर्मियों के मौसम, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है, तो तकरीबन 30 से 40 मिनट में ये बहुत आराम से हमारी डो रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, ये इस पोजिशन में आ गई है कि अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएँ और इसको हम कवर करके रख दें। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, इसको अच्छे से सेट करेंगे और कवर करके रख देंगे, और उतनी देर तक हम अपना बाकिया मेज़ा रेडी करते हैं और इसको हम कवर कर देते हैं राइस होने के लिए। मेज़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 6 आलू लिए हैं, जिनको मैंने बॉयल करके छिलका उतार के यहाँ पे रख लिया है। 1 दरमियाने साइज़ का प्याज लेकर उसे बारीक चॉप करके यहाँ पर रख लिया है। 3 सब्ज़ मिर्चें लेकर उन्हें भी काट के यहाँ पर रख लिया है, और सब्ज़ धनिया लेकर उसे धो के काट के उसको भी यहाँ पे रख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि हम एक बॉल लेंगे, उसके अंदर हम अपने बॉयल पोटैटो जो हैं उनको ग्रीट करेंगे। आप चाहें तो आप इसे मैश कर लें, हाथों से मैश कर लें, लेकिन इस तरह जो है अब इसमें लम्स नहीं रहते और बहुत अच्छा इसका मेज़ा रेडी होता है। तो देखिए, तमाम आलू को मैंने अच्छे से ग्रीट कर लिया है। अब इसके अंदर हम तमाम चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले प्याज, फिर सब्ज़ मिर्चें, उसके बाद सब्ज़ धनिया, और जो स्पाइसेस में चीज़ें जाएंगी, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और नमक हसबे ज़ायका। साबुत धनिया लेंगे 1 टीस्पून और उसको हाथों में अच्छे से मसल के तो वो हम डाल देंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है, जब हम खाते हैं मुँह में जाते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम क्या करेंगे, तमाम मेज़े को अच्छे से हम हाथों से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब इस स्टेज के ऊपर हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आए, और इसको भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो अमेज़ा हमारा रेडी हो गया है फिलिंग के लिए। चलिए डो को अपने चेक करते हैं। तो देखिए, माशाल्लाह से डो हमारी अच्छे से राइज हो गई है और बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट डो बन गई है, यानी ये बेलने के लिए बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा मैदा काउंटर पर डस्ट करेंगे और अपनी डो को इसके ऊपर निकाल के रखेंगे और इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे। इस तरह थोड़ी देर के लिए हम इसको मस लेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। तो देखिए, डो हमारी सेट हो गई है। अब हम इसको इक्वल पार्ट्स में काट लेंगे। हमने इसके पेड़े बनाने हैं तो लिहाजा इक्वल पार्ट्स में इसको काटेंगे। अब एक एक हिस्सा उठाएँगे और उससे हम पेड़ा बना लेंगे। हमारे 3 पार्ट्स कटे हैं, इसका मतलब है कि 3 पेड़े बनेंगे। तो जैसे ये पहला पेड़ा बना है, ऐसे ही हम 3 पेड़े रेडी कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। अब हम थोड़ा सा मैदा और डस्ट करेंगे, 2 पेड़े साइड पर रखेंगे, इसको उठाएंगे, हाथों से अच्छे से प्रेस करेंगे। अभी हमें बेलन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम हाथ से प्रेस करेंगे और इसको खोलेंगे।
ये देखिए इतना, बस इतना ही। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसके अंदर हम अमेज़ा रखेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जितना अमेज़ा रखना चाहते हैं रखें, लेकिन इतना कम ना रखें कि नान में उसका आपको टेस्ट ही ना आए। अब हम साइडों से उठाएंगे और इस तरह इसको आपस में मिक्स करते जाएंगे, जिस तरह हम कचौरी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने इसको बंद करना है। यहाँ से अच्छे से बंद करेंगे और इसको हम पेड़े की शेप दे देंगे। ये देखिए हमने इस तरह से पेड़ा बना लिया है। इस तरह हम बाकी पेड़े भी उसके अंदर फिलिंग रेडी कर लेंगे। आप देखते हैं कि जब हम इस तरह फिलिंग रेडी कर लेते हैं तो पेड़े का साइज़ बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर उतना ही अमेज़ा तकरीबन चला गया है, तो वो पेड़े का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो हम तमाम पेड़े इस तरह से रेडी कर लेंगे। ये देखिए तीनों पेड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, एक पेड़े को उठाएंगे और पहले हाथों से उसको अच्छे से प्रेस करेंगे। इस तरह मैदा डस्ट कर दिया, अब हम इसके ऊपर पेड़ा रखेंगे और हाथों से इसको प्रेस करेंगे ताकि अमेज़ा अंदर अच्छे से सेट हो जाए। अब हम बेलन की मदद से इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। आपने बहुत ज़्यादा दबा दबा के इसको नहीं बेलना और बहुत ज़्यादा बारीक भी इसको नहीं करना, ना बहुत मोटा रखना है, बल्कि इस बात का ख्याल रखना है कि जैसे हमारा नान होता है बिल्कुल हमें इसकी वैसे ही मोटाई चाहिए। तो ये देखिए नान हमारा बेला गया है, इसकी मोटाई आप चेक करें कि हमने इतना मोटा रखा है। अब हम इसके ऊपर नान की तरह से ही डिज़ाइन बनाएंगे अपने फिंगर टिप्स की मदद से। ये देखिए डिज़ाइन बना लेंगे यहाँ पे, और फिर सेंटर में भी हम टिप्स की मदद से ही इसके डिज़ाइन बनाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे कि नान हमारा रेडी होता है ऐसे। इसके बाद हम दूध लेंगे और ब्रश की मदद से इसके ऊपर दूध लगा देंगे। इस स्टेज के ऊपर अगर आप चाहें अंडा लगाना तो आप अंडा भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने अंडे का इस्तेमाल नहीं किया तो मैं यहाँ पे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने इसके ऊपर दूध लगा दिया है, ये देखिए। दूध लगाने के बाद थोड़ा सा धनिया लेंगे और उसको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे ऐसे ही। आप चाहें तो यहाँ पे वाइट तिल भी लगा सकते हैं। धनिया लगाने के बाद थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स लेंगे और वो भी इसके ऊपर फैला देंगे। वेरिएशन आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहें तो यहाँ पे तिल लगा लें और नहीं तो ना करें। दूसरी साइड पे अब हम इसका पानी लगाएंगे। तवा हमारा गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तवे के ऊपर ये देखें हमने नान अपना डाल दिया है माशाल्लाह से। अब इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही पकने देंगे। जैसे ही इसका थोड़ा थोड़ा सा कलर चेंज शुरू होना होगा और होगा कि जैसे भी पता चलेगा कि ये तकरीबन पकना शुरू हो गया है, ये देखिए जैसे इसका कलर चेंज हो रहा है, तो अब हम एहतियात से तवे को उठाएंगे और इसको इस तरह आग के ऊपर इसको हम सेकेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तंदूर में नीचे से आग जलती है और वो उसकी मदद से पक जाता है, इस तरह हम इसको फ्लेम के ऊपर पका लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा ऊपर से अच्छे से पक गया है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसके साइड से पहले हम अलहदा करेंगे क्योंकि नीचे से पानी लगा हुआ था तो इसके साथ चिपक जाता है, तो इसको पहले अलहदा करेंगे और फिर हम इसको डिश में निकाल लेंगे। तो ये देखिए दूसरा नान भी हमारा रेडी, पहला नान हमारा रेडी हुआ है। आप ये देखें ये नान भी हमारा रेडी हो गया, दूसरा भी, और अब ये तीसरा नान भी हमारा रेडी हो गया है। नान हमारे रेडी हो जाएं तो फिर इसके ऊपर हम ऑयल की कोटिंग करेंगे। थोड़ा सा ऑयल ब्रश को लगा के इसके ऊपर लगाएंगे ताकि इसमें शाइन आ जाए, ये अच्छा लगे। आप चाहें तो आप बटर लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल लगाया है। ऑयल लगाने के बाद अब हम इसको तोड़ के देखेंगे कि ये कितना सॉफ्ट बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही सॉफ्ट बना है, ज़बरदस्त सॉफ्ट बना है। और अगर हम इसको खोल के देखें तो देखें फिलिंग पूरी इक्वली अंदर तक गई है माशाल्लाह। आप इसको चटनी के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं या अचार के साथ खाएं, अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।